हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ये स्टॉक मेरा खुद का बहुत ही पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। ये स्टॉक से मैं बहुत ही पुराने समय से होल्ड कर रहा हूँ। बहुत गजब के आउटस्टैंडिंग रिटर्न ये हर साल मुझे देते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल से बहुत पुराने समय से जुड़े रहेंगे, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन सभी लोगों को पता है कि ये स्टॉक को हम लोग 1900 के रुपए से यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद 2200 में भी ऐड किया था, 2500 में भी ऐड किया था। एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि ये स्टॉक ऐसा है, आप किसी भी लेवल में एंटर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका पी रेशो कितना भी हाई हो जाए, ये स्टॉक ऑल टाइम बेस्ट स्टॉक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले कि बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ सामने आई है। आप सभी लोगों को पता है कि कार्वी कांड जो हुआ था ब्रोकिंग से रिलेटेड, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको हुआ है तो वो बजाज फाइनेंस को हुआ है। तो इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को भी समझेंगे कि एक्चुअली बजाज फाइनेंस को क्या क्या यहाँ पे नुकसान हुआ है। अगर वो नुकसान हुआ है तो वो कितना देर तक यहाँ पे वो नुकसान का उसका असर रहेगा, शेयर के प्राइस में कितनी गिरावट आएगी तो वो कितने समय तक रहेगी, पूरी बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एंड शेयर को अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का यहाँ पे मैंने शेयर ओपन किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो बीच में ये न्यूज़ सामने आ चुकी थी, जैसे मैंने कहा कि कार्वी कांड जो अभी चल रहा था ब्रोकिंग से रिलेटेड, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये मामला जा चुका था। एंड यहाँ पे बजाज फाइनेंस ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि उनको ये राहत मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे सेट ने कोई भी यहाँ पे राहत नहीं ये दी है बजाज फाइनेंस को। एंड ये अल्टीमेटली मैटर अभी सेबी के पास जा चुका है। तो यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सेबी इस मैटर से रिलेटेड 12 दिसंबर को सुनवाई करने वाली है। एंड उसी से रिलेटेड पूरी जो मीडिया रहेगी एंड जो भी मार्केट रहेगा उसका जो फोकस रहेगा 12 तारीख को, वो बजाज फाइनेंस के भी ऊपर रहने वाला है कि सेबी इसके खिलाफ या फिर इसके फेवर में कोई डिसीजन देती है या नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि कार्वी जो ये कांड अभी जो हुआ है ब्रोकिंग से रिलेटेड, उनका जो मेन बिजनेस था ब्रोकिंग से रिलेटेड था, मतलब शेयर्स लेना एंड दूसरे को शेयर्स देना एंड पैसे ट्रांसफ़र करना, इतना ही था। एंड ब्रोकिंग के हिसाब से कमीशन लेना एंड पैसा कमाना। बट उन्होंने अपने पावर ऑफ अटर्नी का एक गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया है, मतलब उन्होंने प्रिंसिपल एज एन एक्ट एज एन एजेंट किया है। ये लोगों को उन्हीं लोगों को समझेगा ये, जो कि ये लॉ की टर्म की भाषा है कि प्रिंसिपल कैन नॉट बी एक्ट एज एन एजेंट इन अ स्टॉक मार्केट। बट उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो पावर है वो एज एन एजेंट करके भी यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। मतलब उनका काम इतना ही था कि शेयर्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, बट उन्होंने क्या किया, शेयर्स को गिरवी रख दिया था एंड गिरवी रख के उन्होंने फंडिंग उठाई थी। एंड ये जो मामला हुआ था इसमें बजाज फाइनेंस के पास से उन्होंने फंडिंग उठाई थी एंड जो ये गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो बजाज फाइनेंस के थे। हालांकि देखा गया तो और भी अलग अलग NBFCs थी, बैंकिंग कंपनियां थी, बट सबसे ज़्यादा जो हम लोग कह सकते हैं एक्सपोजर है वो बजाज फाइनेंस का था। एंड इसीलिए या कांड से रिलेटेड जो भी कोई यहाँ पे न्यूज़ आती है तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड बात ज़रूर होती है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद जो शेयर होल्डर थे वो बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कभी क्या हो गया, उनका अकाउंट डॉर्मेट अकाउंट हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने जो कार्विस के रिलेटेड थे उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया एंड पावर ऑफ अटॉर्नी का भी गलत इस्तेमाल किया एंड उनके शेयर बिना परमिशन के उनको क्या किया, गिरवी रख के फंडिंग उठा ली। बट जब ये स्कैम सामने आ चुका जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास है, तब सारी बातें ये क्लियर हो गई। बट उसी के बाद हम लोग देख सकते हैं सेबी ने एक बहुत ही राहत वाली अनाउंसमेंट कर दी थी, डिसीजन ले लिया था कि जो उनके शेयर होल्डर्स है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो चुके, उनके शेयर्स वापस उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। एंड इससे जो प्रॉब्लम हो गई वो बजाज फाइनेंस को हो गई, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने भी ये जो लोन दिया था, जो फंडिंग दी थी कार्वी को, वो एज एन सिक्योरिटी बेसिस पे दी थी जो शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में थे। अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस की भी कोई गलती नहीं थी, बट यह किसी को भी पता नहीं था। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो सेबी ने डिसीजन लिया उससे बजाज फाइनेंस खुश नहीं है या फिर जो और भी अदर पार्टीज है NBFC एंड बैंक वो भी खुश नहीं है। एंड इसीलिए ये मैटर अभी थोड़ा सा सेट में चल रहा था एंड अभी सेबी के पास वापस जा चुका है। सो देखा जाए तो शेयर होल्डर की तो गलती हो ही नहीं सकती, उनके बेचारों को क्या पता, उन्होंने तो पैसा देके शेयर लिया है। एंड देखा जाए तो बजाज फाइनेंस की भी गलती नहीं थी, जो गलती थी वो कार्वी की थी, जिन्होंने इलीगली फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी की है। सो ओवरऑल मसला यही बचा है कि बजाज फाइनेंस को अभी जो लॉस होने वाला था तो वो यही करने वाले थे कि कार्वी से रिलेटेड पैसा नहीं मिलने वाला था, तो वो जो शेयर्स उनकी गिरवी रखे हुए थे उनके पास वो बेच के वो अपना पैसा वापस रिकवर करने वाले थे। बट जैसे सेबी ने ये अनाउंसमेंट कर दी
तो उसके बाद वो शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुके हैं उनके ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास, एंड इसके बाद बजाज फाइनेंस वो पैसा रिकवर नहीं कर सकती। सो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट आएंगे तो शायद से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट है वो हम लोगों के थोड़े से नरम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का प्रोविजन हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल मसला है जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझा है, बट यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कितना रहेगा। हम लोग अगर देखते कि जब से ये कार्वी का रिलेटेड मैटर सामने आए तो हम लोग देख सकते कि बजाज फाइनेंस का शेयर वो अप्रॉक्सीमेटली 4,200-4,300 के लेवल पे चलता था, जो कि अभी 3,900 के यहाँ पे आ चुका है, 3,990 के यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, 300-350-400 पॉइंट की गिरावट। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रहा है, सर क्या बजाज फाइनेंस से एग्जिट कर लूँ, क्या दूसरे किसी शेयर में शिफ्ट कर दूं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा जो कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर करना चाहूँगा। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में एंड बजाज फाइनेंस से मैं तो एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ, इतना बढ़िया शेयर है, यहाँ से मैं एग्जिट क्यों लूँ? ये पता है मुझे कि कार्वी से मैटर से रिलेटेड इनको NPS में यहाँ पे थोड़ा सा अभी ग्रोथ आ सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बजाज फाइनेंस का वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा है रिटर्न्स इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिए, 40-50% से भी ज़्यादा के रिटर्न हर एक साल ये देती चली जाती है, एंड ये मेरा डिसीजन है कि मैं बजाज फाइनेंस में होल्ड ही करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर 12 दिसंबर को अगर बजाज फाइनेंस के अगेंस्ट डिसीजन आएगा, जो कि मोस्टली आ भी सकता है, तो उसके बाद और बजाज फाइनेंस में गिरावट होगी तो मैं खुद इसमें फ्रेश बाइंग की एंट्री लेने वाला हूँ। तो वापस ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से आप लोगों के सामने शेयर की है, इसको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, इसको चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसका आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, एक साल पहले जिन्होंने इस शेयर को होल्ड किया आप देख सकते हो 2,500 से भी सस्ता ये शेयर मिलता था एक साल पहले, तो इन लोगों को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आज भी 1,500 रुपया पर शेयर के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ हम लोग अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल पहले बजाज फाइनेंस का शेयर सिर्फ 300 रुपये मिलता था, सिर्फ 300 रुपीज़ में इतने सस्ते दाम में मिलता था। तो इतना ज़बरदस्त फाइनेंस से रिलेटेड ये शेयर है, एंड अगर इसका ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न देखो तो आप देख सकते हो क्या गजब का शेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं तो इसमें से कोई भी शेयर यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट जो लोग यह इस पे सोच रहे थे कि एग्जिट करूँगा तो मैं तो यहाँ पे एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, अगर इसमें और भी गिरावट आती है तो ये तो हो गया चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। चलिए थोड़ा सा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाते तो और भी हम लोगों को डिटेलिंग क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ पे मैंने ओपन किया है, नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पी रेशो अगर आप देखोगे तो बहुत ही हमेशा इसका ज़्यादा रहता है, 50 के भी ऊपर पी रेशो रहता है, फिलहाल तो अभी 49.57 टाइम्स का पी रेशो चल रहा है। तो आज के दिन का परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि 25 पॉइंट्स यहाँ पे अप था। थोड़ा सा मैं वापस आप लोगों को चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जो कि एक पॉइंट मेरा मिस आउट हो चुका था कि आज आप देख सकते हो जैसे ये न्यूज़ सामने आई कि सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब सैट से बजाज फाइनेंस को राहत नहीं मिली, तो सडनली यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर अच्छा खासा 3990 पे चल रहा था उसमें सडनली गिरावट आके ये शेयर बहुत ही नीचे आ चुका था। सो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें और भी गिरावट हो सकती है, बट सडनली वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे खरीदारी हुई एंड शेयर को वापस यहाँ पे रिकवरी मिलके 25 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे क्लोजिंग इसने बताई हुई है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ बजाज फाइनेंस के खिलाफ आ चुकी थी फिर भी। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि शेयर बहुत ही अच्छा है, कभी भी इसमें गिरावट आती है तो बाइंग सडनली बढ़ जाती है। तो वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे NSE के ऑफिशियल वेबसाइट से। सो आज के दिन का परफॉर्मेंस भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया जो प्रीवियस क्लोज था वो 3,964.55 पे था, ओपन जो हुआ था 3,958 पे हुआ था, हाई जो इसने बनाया था 4,000 के ऊपर बनाया था, एंड जो लो इसने बनाया था जो कि आप देख सकते हैं न्यूज़ जैसे ही फ्लैश हो गई कि इनके फेवर में नहीं आई तो 3,935 तक ये शेयर नीचे आ चुका था। उसी के साथ साथ आप और भी आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप लोगों को देखने के लिए और भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक लो देख लीजिए, 2,000-2,500 से भी नीचे यहाँ पे 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4,280 का 52 वीक हाई इसने 6 नवंबर को ही यहाँ पे फ्रेश बना लिया था। एंड आज के दिन की पोजीशन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 4 दिसंबर की पोजीशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लगभग 31.5% से 32% लोगों ने ये शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि
कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट आप देख सकते हो 1,12,473 रुपीज इन लैक्स थे, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 1,37,000 से भी ऊपर जा चुके हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बढ़िया थे इनके। इससे भी पहले क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू द क्वार्टर फोर, वो भी बहुत ही शानदार थे, आउट परफॉर्मिंग थे। उसी के साथ साथ आप नीचे भी देख सकते, कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली कंपनी, चाहे वो 2016 हो, 17 हो, 18 हो या फिर 19 हो। एंड उसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिटेलिंग देख लेते कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। तो प्रमोटर्स के पास जो शेयर है 58% से 56% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, एंड उसमें से कितने शेयर गिरवी रखे वो भी यहाँ पे डेटा देख लेते। तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पे प्रमोटर ने, जो अपना 58% के शेयर है उसमें से कोई भी शेयर यहाँ पे प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बजाज फाइनेंस ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग NBFC है, एंड ये मेरी खुद की पर्सनली बहुत ही फेवरेट शेयर है। एंड आप सभी लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, जो पुराने प्रूफ है, जैसे मैंने कहा कि 2000 के भी नीचे मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, तब चैनल बहुत ही नया था, तो शायद से वो वीडियो मुझे ना मिले, बट वो वीडियो मेरे पास ज़रूर है, जब मैंने इसको 2500 के आसपास आप लोगों को रिकमेंड किया था एक पोर्टफोलियो के जरिए। तो वो वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देके चला जाएगा। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन के फॉर्म में यही कहना चाहूँगा कि जिनके भी पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास इसको होल्ड कीजिए। इनफैक्ट अगर ये और नीचे आ जाता है तो आप इसमें एडिशन भी कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द वन कंडीशन, आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही लंबे समय का होना चाहिए। टेम्पररी स्केल के लिए ये थोड़ा सा कंसल्टेशन फ्रेज में आ सकता है, बट उसके बाद वापस ये रफ्तार ज़रूर पकड़ेगा। एंड वापस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सोच रहे कि सर पैनिक हो रहे, हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो जो लोग सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं, आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो वेलकम रहेगा। बट जैसे मैंने कहा कि मेरा डिसीजन ये रहेगा, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, एंड अगर ये और भी नीचे आ जाता है तो इसमें मैं फ्रेश पोजीशन बनाने वाला हूँ। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस यही कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के फॉर्म में दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से बताई है, अपने एक्सपीरियंस एंड जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो या फिर इसका अनफॉलो भी कर सकते हो। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी स्टडी एंड रिसर्च जरूर कर लेना। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।